सारा के इस इमोशनल मैसेज को पढ़कर भावुक हो सकते हैं रोहित शेट्टी। वायरल हुआ पोस्ट सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा में काम कर रही हैं। ये उनके करियर की दूसरी फिल्म है जो उन्होंने साइन की। पहली फिल्म केदारनाथ है लेकिन अभी वो भी रिलीज नहीं हुई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक सिम्बा सारा की डेब्यू फिल्म बन सकती है। फिलहाल सारा दिलोजान से इस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं और ये पहली बार है जब उन्होंने फिल्म से जुड़ी कोई फोटो शेयर की है। ये फोटो शेयर करने के साथ ही सारा ने निर्देशक रोहित शेट्टी को टीचर्स डे के मौके पर विश भी किया और लिखा, सबसे दयालु और सबकी मदद करने वाले शख्स को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हर बार जब मैं आपसे मिलती हूँ तब न सिर्फ मुझे मेरा काम सिखाने बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की कला सिखाने के लिए धन्यवाद। इस प्यारे मैसेज के साथ सारा ने रोहित शेट्टी और उनकी फिल्म सिम्बा के सेट की कुछ फोटोज भी शेयर की हैं। फिल्म इसी साल 28 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म में सारा एक चुलबुली लड़की का किरदार निभा रही हैं। ये फिल्म महिलाओं के सम्मान पर आधारित होगी। फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार का नाम संग्राम भालेराव है। फिल्म महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पर बनने जा रही है। वहीं सारा की पहली फिल्म केदारनाथ विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल पद्मा फिल्म्स के अनिल गुप्ता ने केदारनाथ के निर्माता निर्देशक प्रेरणा अरोरा और अभिषेक कपूर पर 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस रिपोर्ट के बाद प्रेरणा अरोरा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और IPC की धारा 427, 167, 122, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ क्रियाज एंटरटेनमेंट ने इन आरोपों को गलत बताते हुए एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है, पद्मा के अनिल गुप्ता की झूठी शिकायत से हम हैरान हैं। अनिल ने धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे कई झूठे आरोप लगाकर हमें चौंका दिया है। अनिल या उनके अलावा किसी भी पार्टी द्वारा क्रियाज में निवेश धन को अदालत द्वारा सेटेल किया जा चुका है। इसके बाद क्रियाज या निर्देशक के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है।